हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका पीसी फीफा 21 मैनेजर का जो मोड में। ये अटलांटा टीम का मैनेजर का जो मोड है, जो सीरीज की टीम है। आज हमारा मैच है यूसीएल का सिल्विलिया एफसी के अगेंस्ट, जो लालिगा की टीम है। हम मेन लाइनअप के साथ इस टीम के अगेंस्ट खेलेंगे। देखते हैं जीत पाते हैं या नहीं। मैच चालू होता है दोस्तों, देखते हैं हम सिल्विलिया के अगेंस्ट क्या कर पाएंगे। ओरिजिनली काफ़ी खतरनाक फॉर्म दिखाते हुए अभी अभी बार्सिलोना को हराया और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किए जा रही है। लालिगा में भी सबसे अच्छा डिफेंस दिखा रही है सिल्विलिया। और पाकु गोमेज भी ओरिजिनली सिल्विलिया में जा चुका है, हमने तो उन्हें मैड्रिड में बेचा था, एटलेटिको मैड्रिड में, सॉरी रियल मैड्रिड में बेचा था। वो काफ़ी अच्छा सेव आया, अच्छा क्लियरेंस, वो गड़बड़ हुई बहुत ज़्यादा, अच्छा बैक पास गोनेज जानते हुए आगे, देखते क्या कर पाते गोनेज। ओ अच्छा क्लियरेंस कुंडे का, ओ बहुत अच्छी, ओ नहीं काफ़ी अच्छा रन, ओ काफ़ी अच्छा सेव आया हमारे मेन गोलकीपर गोनेज का, ओ गुलिनी का, सॉरी दोस्तों गलत नाम ले लिया मैंने, पर गुलिनी का काफ़ी अच्छा सेव था, वो अच्छा टैकल था, काफ़ी अच्छा टैकल था, देखते हैं क्या कर पाते। वो काफ़ी अच्छा रन बनाया अब्राहम ने, टॉमी अब्राहम आगे निकलते हुए, देखते हैं क्या कर पाते अब्राहम। ओ गलत शूट अब्राहम, बहुत ही बुरा शूट अब्राहम का, इतना अच्छा काउंटर प्लेस करने के बावजूद, ओ बहुत ही बुरा शूट था, बहुत ही बुरा शूट। ओह टैकल करने की कोशिश में, ओ अच्छा ब्लॉक आया कॉर्नर का की कोशिश, देखते हैं क्या कर पाएगी। ओ क्लियरेंस आते हुए किसी तरह से बच गए, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। ओह अच्छा से हमारे गोलकीपर के ऊपर फाउल है गिलिनी के ऊपर, लगभग हाफ टाइम होते हुए। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। ओ नहीं लम्बा टच ले लिया, ओ डिज, ओ काफ़ी अच्छा अटैक काउंटर अटैक, वो देखते क्या कर पाते हम। ओ कवर करने की कोशिश कुंडे की, क्लियरेंस आते हुए फुल टाइम, सॉरी हाफ टाइम होते हुए, इस हाफ में कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, दोनों ही टीमों के पास बहुत ही कम मौके आए अटैक करने के। देखते हैं अगली हाफ में क्या हो पाता है। सेकेंड हाफ चालू हो चुका है दोस्तों, ओह अच्छा थ्रू रन, देखते हैं क्या कर पाते हैं गोनेज। गोल आया उनका बहुत ही गहमा गहमी के पास, क्लियरेंस नहीं आया हमारी ओर से, ओ बहुत ही बुरा रहा सुसो की ओर से गोल। शुरुआती समय में ही बार हो सकते हैं, हम कुछ भरोसा नहीं लीग स्टेज का, नहीं राउंड ऑफ 16 का, इस ऐसे राउंड ऑफ 16 है, पर बहुत ही अच्छा क्रॉस था, सीधे उनके प्लेयर के ऊपर आया, वो किसी तरह से छीनाने की कोशिश में थे पर छीन नहीं पाए और गोल आ गया उनका। ओह सुसो का गोल, फर्स्ट गोल यूरोपा चैंपियंस लीग का यूसीएल का गोल फर्स्ट। बुकारियो जाका, देखते क्या कर पाते हैं बुकारियो जाका, ओ अच्छा ड्रिबल था, देखते हैं बुकारियो जाका निकल पाते हैं या नहीं, निकल चुके हैं बुकारियो जाका। ओह अच्छी पास थी पर शॉट नहीं ले पाए, शॉट से पहले ही क्लियरेंस आया। ओह काफ़ी अच्छा कवर अप करने की कोशिश थी, ओह काफ़ी अच्छा कवर क्लियर कवर था, ओ काफ़ी अच्छा ड्रिबल, ओ अच्छा पास, ओ गोल करने का मौका, ओ तेरी गोल आया, ओ खतरनाक तरीके से गोल, बहुत ही अच्छी पासिंग थी, ओ मेलानोस्की का गोल शायद से, देखते किसका गोल आया। ओह बहुत ही अच्छा गोल हमारे अटैकिंग मिडफील्डर मेलानोस्की शायद से,
देखते हैं कौन था। नंबर नाम दिख नहीं रहा, नाम के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि मैच ऑनलाइन ये है, मतलब लाइव कमेंट्री है, इसकी वजह से। मैरिनोस्की थे, एलेक्स मैरिनोस्की जो भी है, काफ़ी अच्छा गोल यूसीएल का, वो काफ़ी अच्छा रन बनाने की कोशिश में। इवान रैकिटिच अच्छा ब्लॉक आया, एरिकोन बिसा का क्या कर पाते, ओ काफ़ी अच्छी पास मैरिनोस्की, वो मैलिनोस्की थे, मैं उनका नाम ठीक ही ले रहा था, मुझे लगा गर थे। और एक अच्छा रन रहा साका का, वो काफ़ी अच्छा फेक शूट, ओ काफ़ी अच्छी रन था, पर जपाटा अगले सीजन छोड़ देंगे अटलांटा को, ओरिजिनली भी वो छोड़ सकते हैं क्योंकि पापू गोमेज तो छोड़ ही चुके। ओ अच्छी पासिंग, काफ़ी अच्छी पासिंग, जाका एरिकोन बिजाका का रन, क्रॉस आता हुआ एरिकोन बिजाका, ओ ओ काफ़ी अच्छा शूट था, पर 1-1 से ड्रॉ होते हुए, आखिरी मिनट्स चलता हुआ, फुल टाइम होते हुए। दोस्तों ये मैच तो हमारे लिए ओवरऑल अच्छा रहा, फुल टाइम होते हुए 1-1 से ड्रॉ रहा। अब ये रूल गोल के रूल्स के हिसाब से हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, देखते हैं सामने जाके हम पहुंच पाते हैं या नहीं। ये सबसे अच्छा मौका टॉमी अब्राहम का, पर वो चूक गए, हमारे प्रॉपर नंबर 9 प्लेयर अटलांटा का। और एक लीग मैच उनका, देखते हैं हम वेरोना के अगेंस्ट मैच है, देखते हैं हम क्विक सिम करेंगे इस मैच को, जीत पाते हैं या नहीं हमारे मेन लाइनअप के साथ। 2-0 से हम जीते, दुआन के दो गोल एग्रीगेट से, 2-0 के एग्रीट मिलान के साथ हमारा सेमीफाइनल आते हुए। दोस्तों हमारी सेकेंडरी लाइनअप खेलेंगी ये मैच, देखते हैं हम जीत पाते हैं या नहीं मिलान के अगेंस्ट, कोपा इटालिया का सेमीफाइनल मिलान के साथ हमारा सेकेंड लेग कोपा इटालिया का, देखते हैं हम जीत पाते हैं या नहीं। ग्रे और काफी के टैकल और इंटरसेप्शन भी था, ग्रे रन बनाते हुए आगे आके, ग्रे ओ काफी अच्छा पास था पर पहुंच नहीं पाया सिक्स पे, ओ अच्छा रन था पर ब्लॉक करने की कोशिश में थे रमेरो, क्लियरेंस करने की वो नहीं, ओ ओ बच गए, रमेरो कुछ और ही करने की चक्कर में थे, कंट्रोल छूट गया रमेरो का और स्लिप खा गए, वो थोड़े से बच गए हम, थोड़े से बचे। वो काफ़ी अच्छा रन इस बार, टैकल आया रमेरो का पास ग्रे की ओर, ग्रे निकलते हुए, इस बार ग्रे की स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो, देखते हैं क्या कर पाते ग्रे। ओ अच्छा पास बिजा का, ओ बिजा का निकल गए, निकल गए बिजा का, और पहला गोल है एरिकोन बिजाका का, एरिकोन बिजाका जैसे, हाँ एरिकोन बिजाका का पहला गोल हमारे लिए आया, बहुत तेजी से उन्होंने रन बनाया ग्रे के पास के ऊपर। हम मैच के देखते हैं किस तरह से एरिकोन बिजाका, वो काफ़ी अच्छी ड्रिबलिंग थी, लेफ्ट फुट स्टॉर्ड जो उनका स्ट्रांग फुट है, बहुत ही अच्छा शूट एरिकोन बिजाका का, वो तेरी बहुत ही अच्छा गोल, काफ़ी अच्छा रन बनाया था एरिकोन ने, काफ़ी अच्छी पासिंग भी हुई। फर्स्ट गोल कोपा इटालिया का और उनका करियर का भी, हमारे लिए करियर का, हमारे लिए उन्होंने पहला गोल किया। चालानो उनका अच्छा पास था पर बिजाका का काफ़ी अच्छा इंटरसेप्शन आया, वो काफ़ी अच्छी पासिंग ग्रे के ऊपर, टैकल आया अच्छा ब्लॉक ग्रे के पास, अच्छा पास आया रोमेरो का और ग्रे फिर से रन बनाने की ओर, ओ काफी अच्छी ड्रिबलिंग स्किल दिखाते हुए अच्छी पासिंग की, ओ गोल आया इस बार, देखते हैं किसका गोल है, अच्छी पासिंग थी, वन टच पासिंग और अच्छी ड्रिबलिंग के साथ गोल, लमोर का गोल से शायद से, हाँ लमोर का गोल नंबर 7 नहीं शायद से लमोर के कोई और है मालूम नहीं,
देखते किस तरह से अच्छी पासिंग थी। ओह बहुत ही अच्छी रन बनाया, बहुत ही अच्छी पासिंग रही। ओह हो बहुत ही अच्छा गोल। डोनारुमा के पास कोई मौका नहीं। लामोर का गोल, सैम लामोर, इटालिया कोपा इटालिया का काफ़ी अच्छा उनका गोल, ये फर्स्ट गोल ये कोपा इटालिया का उनका। ओवरऑल परफॉर्मेंस उनका भी बहुत अच्छा रहा है। ओह ओह अच्छा ब्लॉक था, काफ़ी अच्छा ब्लॉक आया। नहीं चीन भी काफी याद रही मिलान। ओह अच्छा, ओह दाऊद अच्छी पासिंग, वो काफ़ी अच्छी पासिंग थी ग्रे की ओर, टॉमी अब्राहम की। देखते हैं तो क्या कर पाते हैं ग्रे। ओ काफी अच्छा पास टॉमी अब्राहम की ओर। ओ काफी बेहतरीन शूट था, उतना ही बेहतरीन ब्लॉक आया। वो देखते हैं क्या कर पाती है मिलान। ओ बेहतरीन तरीके से ड्रिबल दिखाते हुए, ओह टैकल आया, अच्छा टैकल था, काफ़ी अच्छी पासिंग चली। और फर्स्ट हाफ ओवर हो चुका है दोस्तों, देखते अगली हाफ में कुछ कर पाएगी कमाल मिलान या अटलांटा फाइनल में जा पहुँचेगी। ओह एरिकवन भी जाका, जाका का अच्छा रन। ओह काफ़ी अच्छा इंटरसेप्शन आया एसी मिलान की ओर से। ये मैच आखिरी है इस एपिसोड का दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ओ काफ़ी अच्छा टैकल आया, अच्छी ड्रिबलिंग स्किल, अच्छी पासिंग, ओ पासिंग अच्छी थी। देखते टॉमी अब्राहम, ओह काफ़ी अच्छा गोल स्कोर किया टॉमी अब्राहम ने, अच्छी पासिंग थी, बैक पास अच्छा था टॉमी अब्राहम का, और गोल उनके जैसे ही पास आए उन्हें वन टच में गोल कर दिया। बहुत ही अच्छा गोल टॉमी अब्राहम का। देखते हैं पासिंग बहुत ही अच्छी चली, ओह बाहर निकले और पूरा रॉन्ग साइड को मार दिया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि उस साइड मारेंगे, पूरा रॉन्ग साइड। और बहुत ही अच्छा गोल डोनारुमा के पास, इस बार तो कुछ भी मौका नहीं था। टॉमी अब्राहम दूसरा गोल करते हुए अपना कोपा इटालिया का। ओह काफ़ी अच्छी पासिंग, इजे निकालते हुए बॉल, देखते क्या कर पाते इजे। ओ क्रॉस आया इजे का, ओह बहुत ही अच्छा शूट था, पर शायद से क्लियरेंस आई उनकी ओर से, क्लियरेंस नहीं आई शायद से, गलत शूट था। इजे निकलते हुए काउंटर पे इजे, ओह इजे की पीस थोड़ी कम है। ओह काफी अच्छा, ओह काफी अच्छी कोशिश थी, ओह बहुत अच्छी कोशिश थी। ओ नहीं ऑफसाइड, टॉमी अब्राहम ऑफसाइड हुए, पर इजे की बहुत ही अच्छी कोशिश। वो थोड़ी और पेसी प्लेयर होते तो शायद से वो खुद रन बना लेते, पर वो उतने पेसी नहीं थे, वो एक अटैकिंग मिडफील्डर है, उनके पास उतनी पेस नहीं है। बहुत ही कम प्लेयर्स होते हैं जो अटैकिंग मिडफील्ड में होने के बावजूद उनके पास बहुत पेस होती है। वो काफ़ी अच्छा अटैक, वो काफ़ी खतरनाक तरीका क्रॉस, देखते कुछ कर पाएंगे या नहीं। वो अच्छा, वो काफ़ी अच्छा क्लियरेंस था शायद से, नहीं क्लियरेंस नहीं था, वो शॉट ऑन टारगेट तो नहीं था, ऑफ टारगेट शूट था। चाका क्या कर पाए थे देखते। ओह लामारेस गोल स्कोरर, जाका का भी, ओह काफ़ी अच्छा ड्रिबल जाका का, ओह क्रॉस आया जाका, ओह टॉमी अब्राहम गोल शूट नहीं कर पाए। क्या बात है, कितना बुरा परफॉर्मेंस है टॉमी अब्राहम का। फुल टाइम होते हुए हम 3-0 से जीतते हुए फाइनल में पहुंचते हुए कोपा इटालिया के। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमें बताना अगले सीजन हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छी कोशिश थी एसी मिलान की वापसी करने की, काफ़ी अच्छे मौके भी मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ज़रूर दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना, मैं बताना क्या क्या करना चाहिए अगले सीजन हमें। मैं कुछ अलग ही करने की सोच रहा हूँ,
मैं आने वाले एक दो वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो।